हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथब्स ममा। आज हम बात करने वाले हैं बेबी बॉय सिम्टम्स। बेबी बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को लेके कुछ मदर्स को बहुत सी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद कि उनके घर में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इससे रिलेटेड जो मिथ है और फैक्ट है उसको मैं आपको क्लियर इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। कहते हैं कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा इस बात का आपको इंडिकेशन प्रेगनेंसी के 9 महीनों में ही मिल जाता है। कुछ एक्सपीरियंस मदर हो या जो हमारे मम्मीज़ हो या हमसे जो बड़े हैं उनसे भी थोड़े एक इंडिकेशन से ये पता ही चल जाता है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने वाला है। तो ऐसे ही कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ईजी होगा अगर आप जानना चाहती हैं। कंसीव करने के बाद गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने तक महिलाओं के साथ साथ पूरे परिवार के मन में यह सवाल आता है कि लड़का होगा या लड़की, बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए। भारत में तो बच्चे के लिंग के बारे में जन्म से पहले बताना अपराध है, लेकिन प्रेगनेंसी में मिलने वाले कुछ सिम्टम्स की मदद से आप ये जान सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो मैं यहाँ आपको कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ जिससे आप बेबी बॉय के बारे में जो इंडिकेशन जो फैक्ट हैं या जो मिथ है हम इसके बारे में आपको क्लियर बताएंगे। सो फर्स्ट है हमारा मॉर्निंग सिकनेस भ्रम। कहते हैं जब प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस या आपको नौजिया जैसी फीलिंग होती है तो यह पेट में बेबी बॉय होने का इंडिकेशन बताता है। लेकिन फैक्ट बताता है आपको जो मॉर्निंग सिकनेस या नौजिया आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है वो गर्भावस्था का एक आम लक्षण है जो कि 70-80% प्रेग्नेंट महिलाओं में दिखाई देती हैं। आमतौर पर यह प्रेगनेंसी की पहली तिमाही मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका स्टॉप हो जाता है, लेकिन कुछ को डिलीवरी तक मॉर्निंग सिकनेस होती है। माना जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस हार्मोनल बदलाव के कारण होती है और इसका संबंध बच्चे के सेक्स से नहीं होता। सेकेंड है हमारा ब्रेस्ट का साइज मिथ। इसमें माने तो माना जाता है कि पेट में बच्चा होने पर बाईं तरफ की ब्रेस्ट मीन्स लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट की कंपेयर में जो आपकी दाईं ब्रेस्ट मीन्स राइट ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। बट फैक्ट अगर माने तो गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण रक्त प्रवाह बेहतर होता है और जो ब्रेस्ट के जो टिश्यू में बदलाव आता है जिससे वो बड़ी दिखने लगती हैं। ब्रेस्ट जो होती है वो मिल्क बनाने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है जिससे उसमें स्वेलिंग आ सकती है। हालांकि इस बात का कोई एक प्रूफ नहीं है कि पेट में लड़का होने पर ब्रेस्ट में चेंजेस आता है। ये इसे हम एक मिथ भी कह सकते हैं और ये एक फैक्ट भी है। थर्ड है हमारा ठंडे पैर मिथ। कहते हैं कि जिस प्रेगनेंसी महिला के पैर ठंडे रहते हैं उसे ये बेबी बॉय होता है। बट फैक्ट यह कहती है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने, डायबिटीज़ या बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम की वजह से भी प्रेग्नेंट महिला के पैर ठंडे हो सकते हैं। इस बारे में आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकती हैं, वो आपको इस बारे में प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं। नाउ फोर्थ है हमारा मूड स्विंग्स मिथ। कहते हैं कि अगर पेट में बेबी बॉय है तो आपको प्रेगनेंसी में होने वाले मूड स्विंग से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिकेशन होता है बेबी बॉय का। बट फैक्ट यह बताती है कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलावों के कारण मूड स्विंग्स होते हैं और इसका ना होना भी हार्मोन से ही रिलेटेड होता है। इसका पेट में पल रहे बच्चे के सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ मदर को ये मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू रहती हैं, बट कुछ मदर को ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ये बॉडी वाइज और डिफरेंट मदर में डिफरेंट टाइम के सिम्टम्स थोड़े नोटिस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा फूड क्रेविंग मिथ। कहते हैं प्रेगनेंसी में नमकीन या खट्टा खाने का मन करता है तो इसका मतलब है कि आपके पेट में बेबी बॉय होगा। बट फैक्ट यह बताती है कि इस बात को प्रूव करने के लिए कोई एक साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि आपको अगर खट्टा खाने का मन कर रहा है तो इसका मीन्स है आपके पेट में बेबी बॉय है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, पोषण की कमी और कुछ मानसिक कारकों की वजह से क्रेविंग होती है। हालांकि इस दिशा में अभी और भी रिसर्च किए जा रहे हैं कि आपको फूड क्रेविंग की जो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फूड क्रेविंग हो रही है तो इसका रीज़न है कि आपके पेट में बेबी बॉय ही है, ऐसा नहीं है। और ये मन से निकाल ही देना है क्योंकि जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बस हमारा बेबी हेल्दी होना चाहिए। नाउ सिक्स्थ है हमारा यूरिन का कलर।
मिथ कहती है गर्भावस्था के दौरान यूरिन का जो कलर बदलता है और गहरे रंग का जो यूरिन आने का मतलब है कि आपके घर में बेबी बॉय है या उसका बर्थ जो होगा वो बेबी बॉय ही होगा। बट फैक्ट यह बताती है कि प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का रंग बदलना आम बात है। पेशाब का रंग गहरा होना, शरीर में पानी की कमी, अगर आप डिहाइड्रेट हैं तो इसका भी इंडिकेशन हो सकता है, जो कि नौसिया और वोमिटिंग के वजह से भी हो सकती है। किसी भी फूड, मेडिकेशन और अदर कुछ आप प्रीनेटल सप्लीमेंट्स ले रही हैं तो उसकी वजह से भी आपके यूरिनेशन का कलर चेंज हो सकता है, और इसका शिशु के सेक्स से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आप अपने माइंड से ये निकाल लीजिए कि जानने की क्यूरियोसिटी सब मदर को होती है, मुझे भी थी, बट बस हमें इतना चाहिए कि हमारा बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी हो बस वो हेल्दी हो और हमारी जो प्रेगनेंसी है बहुत उसके साथ हेल्दीस्ट एंड हैप्पीस्ट रहे। सबके मन में जानने की है, तो बस मैंने एडवाइस और एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आपको ये फैक्ट और ये मिथ के बारे में बताया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।